हेलो, हम कंटिन्यू करते हैं ना आफ्टर ब्लेंडिंग का डिटेल स्टडी, है ना, एक्सप्रेशन जो होता है हमारा वो। दूसरी पोइम का जो है आप वो मुझे सेंड कर देना, वैसे भी ओपन होने का है ना, आप द्वार से मुझे पीडीएफ सेंड कर देना, इसीलिए मैंने ये चैप्टर उठाया है। ठीक है, तो पोइम का इंटरप्रिटेशन तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसमें, है ना, एक बार रीड कर लूँगा और कुछ नया मुझे मिला तो ठीक है, क्योंकि बात मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, साइन पोस्ट पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट पेज आपको पहले पता है इंट्रोडक्शन, आफ्टर ब्रैनिन बताया था कि किस तरह से स्टोरी है पूरी, है ना, रॉबर्ट साउदी ने लाइफ टाइम क्या रहा है, लाइफ टाइम क्या रहा है, 1774 में बॉर्न हुए थे, 1843 में उनकी डेथ। आफ्टर ब्रैनिन इज एन एंटी वॉर, यानी चाहते थे कि वॉर ना हो, ये चाहते थे वॉर ना हो, एंटी वॉर वॉर पोइम रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट लॉरेट रॉबर्ट साउदी, नाम था ये इनका पूरा नाम था। द पोइम इज सेट एट द साइट ऑफ बैटल ऑफ ब्लेनिम। सर, बैटल ऑफ ब्लेनिम हुआ कब था? 1704 में, बॉर्न कब हुए थे? आफ्टर 70 ईयर्स। हाँ, तो क्या हुआ, इनको वॉर करने पता हुआ ना, हमें अपने बेटे से वॉर के बारे में पता हुआ, पता है, जब हम उससे इतने बाद बॉर्न हुए तो इनको नहीं पता होगा, पता होगा। विद द क्वेश्चन ऑफ टू स्मॉल चिल्ड्रन अबाउट है, और जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है वो दो बच्चों के क्वेश्चन से स्टार्ट होती है ना, एक के हाथ जिसमें एक क्वेश्चन अबाउट है स्कल ऑफ स्कल वन ऑफ देम साउंड, इसमें से क्वेश्चन एक होता है स्कल के बारे में जो कि उनमें से एक को मिला होता है। ठीक है, द ग्रैंड फादर एंड ओल्ड मैन, उनका जो ग्रैंड फादर ओल्ड मैन होते हैं वो टेल्स है ऑफ वन वन होम सिविलियन कैजुअलिटीज एंड रॉटिंग कॉर्पसेस वाइल रिपीटेडली कॉलिंग इट अ फेमस विक्ट्री। वो कह रहे हैं उनके फादर ने बताते हैं कि कैसे जलयु घरों के बारे में, जो सिविल वहाँ के, तो वो कैसे डेथ हो गई, वो भाग गए हैं दे, है ना, कॉर्पस मतलब डेड बॉडीज कैसे वहाँ पे सड़ रही हैं, आज भी रॉटन हो रही है ना, बार बार ये कहते हुए कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। द पोएम डिपिक्ट्स द कॉमन मैन्स इग्नोरेंस ऑफ द मोटिव्स ऑफ वॉर। ये रहना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ नए से मिलेगा। 12 बच्चे पूछते हैं ना कि इस वॉर से मिला क्या, ये वॉर क्यों हुआ, तो बार उसका ग्रैंडफादर यही बोलते थे, बच्चों के ग्रैंडफादर यही बोलते थे, मुझे नहीं पता, बस लोग कहते थे कि ये फेमस फैक्ट्री है, फेमस फैक्ट्री है। यानी कि ये पोएम में ये भी बताया गया है कि मतलब कॉमन लोग जो होते हैं ना, वो वॉर के पीछे का जो मोटिव होता है वो समझते नहीं है, वो समझते कि लड़ाई हो रही तो लड़ाई हो रही है, लड़ाई क्यों हो रही है इसको पता ही नहीं है, फर्क ही नहीं है। तो बता रहे हैं द पोएम डिपिक्ट्स द कॉमन मैन्स इग्नोरेंस ऑफ द मोटिव्स ऑफ वॉर, कि वॉर होते किस लिए हैं, वॉर होते किस लिए हैं, मतलब इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर बताया गया है। द पोएट रॉबर्ट साउदे वॉज बॉर्न इन द ईयर 1774। ही वॉज द सन ऑफ लिलियन ड्रेपर ऑफ रेस्पेक्टेबल सोमरसेट फैमिली। वाइल ही वॉज स्कूलिंग इन वेस्टमिंस्टर ही रोट अ कंपोजिशन अगेंस्ट द फ्लॉगिंग बिकॉज ऑफ विच ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। ओहो, जब अपने स्कूल में पढ़ते थे वेस्टमिंस्टर नाम है स्कूल का, तो उन्होंने किसी फ्लॉगिंग के अगेंस्ट कंपोजिशन लिखा और उसके वजह से उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। ही वेंट लेटर टू बेलियॉल, फिर बाद में कॉलेज में गए बेलियॉल जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड क्या, ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर ही कॉलेज आते हैं, एंड गॉट एक्वेंटेड विद एस टी कॉलेज। ठीक है, ही वेंट टू लिव इन स्पेन, ठीक है, एंड पोर्तुगल, ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प हिज अंकल हु वॉज अ क्लर्गी मैन एट लिस्बन। क्लर्गी मैन पता नहीं क्या होता है, सर्च कर लेना। देर ही मैनेज टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस, इस प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट उनके लिए काफी, उसके बाद में उनके लिए काफी हेल्पफुल। इन 1808 ही ट्रांसलेटेड द क्रॉनिकल ऑफ सीआईडी व्हिच मेड हिम क्वाइट पॉपुलर, ठीक, इस तरह से फेमस होना स्टार्ट हो गए। इट इज सेड दैट
Saudi's work were more of literary industry type than of literary creation. मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो इनके जो काम थे ना वो ऐसे थे, ये खुद लिखते थे, बस लिखे को ट्रांसलेट करते थे, इसलिए ज़्यादा इनका मेन काम यही था। दो ही रोट मच, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कि लिखते नहीं थे, लिखते भी थे। ही वॉज नॉट अकॉर्डेड ड्यू जस्टिस इन द एस्टिमेशन ऑफ राइटिंग, ही वॉज अकॉर्डेड ड्यू जस्टिस, मतलब उन्हें उनकी राइटिंग के लिए ज़्यादा फेम नहीं मिली है ना। ऑल द सेम ही वॉज मेड पोएट लॉरेट इन 1813, और वो बाद में 1830 में पोएट बन पाए। हिज वर्क, उनके क्या क्या फेमस वर्क हैं, उनके कुछ हेरोइक एपिक्स हैं, थाल द डिस्ट्रॉय, मेडॉक एज वेल एज द कर्स ऑफ केम, सेट इन ऑल सेट इन एग्जॉटिक लोकेशन। इन एडिशन टू दिस हिज एपिक पोएम्स, साउदर्न रोड हिस्ट्रीज, बायोग्राफीज एंड एसेज। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। He is now known by some shorter pieces such as My Days Among the Dead Are Past, The Battle of Blenheim, है ना, Blenheim, The Inchcape Rock बोलो, The End the Scholar. One of his most treasured contributions to literature include Children's Fable, तब वो बच्चों की कहानियाँ भी लिखते थे। The Story of Three Bears, which was included in his anonymously published collection, The Doctor. द पोएम साइन पोस्ट, इस पोएम की जो बेसिकली थीम जो घूमती है, किसके जगह पर घूमती है, इट इज समर इवनिंग एंड ओल्ड कैस्पर इज सेटिंग बिफोर हिज फादर। ओल्ड कैस्पर मतलब कि ग्रैंड फादर, कैस्पर से ग्रैंड सन पीटर किन इज कमिंग टुवर्ड्स हिम रोलिंग समथिंग लार्ज एंड राउंड। कैस्पर टेल्स हिम दैट इट इज द स्कल ऑफ मैन हु डाइड इन द वॉर। कैस्पर फाइंड्स मेनी सच स्कल्स व्हाइल ही प्लग्स द फील्ड बुक, उसका फायर उसका कुत्ते से कहता है कि मेरे कुत्ते से बहुत ढेरों स्कल्स मिलती हैं जब मैं अपने फील्ड में प्लगिंग करता हूँ तब। बोथ पीटर किन एंड विल्मे, जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर थी, क्वेश्चन करती है कि पर्पज़ क्या था वॉर का। कैस्पर बाबा कहता है कि अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को हरा दिया था। कैस्पर डज नॉट नो वाई द इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉट, उसको नहीं पता था कि वो लड़े क्यों, है ना, बस इतना कहता है कि हाँ मैं इतना जानता हूँ कि उसकी मैं लुटी थी। ऐसा रिजल्ट ऑफ वॉर, कैस्पर से फादर वगैरह इस बात, कैस्पर के फादर का घर भी जल गया था जिसकी वजह से वो होमलेस हो गए थे। The victory of Eagle Island led to the death of many pregnant women and newborn babies, as is the case with every war. वो कह रहे हैं इस अंग्रेजों की जीत की वजह से काफ़ी प्रेगनेंट वुमेन की डेथ, न्यू बॉर्न बेबीज की डेथ हुई, और जो कि हर वॉर के किस में होता ही होता है ना, ऐसा नहीं किसी वॉर में, तो हर वॉर में होता है। कैस्पर टेल्स द चिल्ड्रन दैट थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज लेज रोटन इन द सन, काफ मतलब थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज, मैं तो बहुत सारे बोलूँ, थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज हैं जो फील्ड के अंदर धूप में सड़ गई हैं, है ना, रॉट हो गई हैं। द ड्यूक एंड द प्रिंस यूजन आर प्रेज्ड बट विल्मन फाइंड इट्स अ विग्ड थिंग, ड्यूक और प्रिंस यूजन की तारीफ की जाती है, लेकिन विल्मन को लगता है ये तो बहुत गलत काम है, ये तो बहुत बेकार चीज़ है, क्यों तारीफ की जा रही है ना। पीटर किन आज के बहुत गुड केम ऑफ द वॉर, इस वॉर के बाद आखिर क्या रिजल्ट आया, क्या अच्छा रिजल्ट निकला इस वॉर, कुछ लड़ने का वॉर का फ़ायदा क्या हुआ। बट कैस्पर कुछ बता ही नहीं सका, बस ने कहा कि ये तो फेमस विक्ट्री है ना। पोएम क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ उसमें नया मिलेगा। द स्टैंजा वन है ना, द फर्स्ट स्टैंजा सेट द टोन एंड एटमोसफेयर फॉर नरेशन एंड रिफ्लेक्शन। इट वॉज समर इवनिंग एंड द प्लेस वॉज द कॉटेज ऑफ एन एल्डरली फार्मर कास्ट फार्मर कैस्पर। कैस्पर वॉज सिटिंग इन द सन बिफोर हिज कॉटेज डोर एंड हिज लिटिल ग्रैंड डॉटर वेल मैन वॉज प्लेइंग ऑन द फील्ड। ठीक है, वेल मैन सॉ हर ब्रदर पीटर किन रोल अ स्कल व्हिच ही हैड फाउंड बिसाइड द स्ट्रीम, इस्टीमल झरना है ना, इस्टीमल झरना, वाइल प्लेइंग देयर, जब वो झरने के पास खेल रहे थे। ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट फ्रॉम कैस्पर, फाइंड आउट ना पता लगाना, वो पता लगाना चाहते थे कैस्पर से, क्योंकि गिर पाते थे कि ये है क्या। ओल्ड कैस्पर टुक द स्कल फ्रॉम पीटर किन, रिप्लाइड दैट इट वाज द स्कल ऑफ सम पुअर मैन हु वाज किल्ड इन द वॉर। इन द फोर्थ स्टैंजा ही कंटिन्यूड सेइंग दैट ही फाउंड मेनी सच स्कल्स ऑल ओवर द फार्म व्हाइल प्लगिंग, बिकॉज मेनी थाउजेंड मैन वर किल्ड इन द बैटल दैट वाज नोन फॉर इट्स हिस्ट्री।
Young Putani asked the grandfather to tell him the purpose of war, while little Wilmarin looked up at her grandfather with anticipation, मतलब जिज्ञासा के साथ, डिजायर के साथ, है ना, कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसका पर्पस क्या था. कैस्पर सडन रिप्लाई दैट द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच बट ही कुड नॉट टेल व्हाई दे फॉट एंड ही कुड ओनली से दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. इन द कोर्स ऑफ द नरेशन Casper told the children that his own father had lived at Brandon. Soldiers burnt his house, burnt his father's house, and he was forced to leave the place with his wife and child. Thus, he became homeless. अब अपने फादर के बारे में बताता है. उनको भी घर छोड़ना पड़ा, उनको भी, वो भी होमलेस हो गए. द वॉर इट सेल्फ वॉज टेरिबल. ये वॉर बहुत खतरनाक था. फायर फॉर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. आग ने, तलवारों ने सब कुछ तबाह कर दिया. मैनी सैड वुमेन, मैनी वन बेबी डाइड. सच अ थिंग्स कैस्पर आयोनिकली स्टेटेड. मतलब वैसे कहता है कि तो हर बैटल में होती ही होती हैं, और भी ये तो वैसे भी ग्रेट विक्ट्री थी. हर ग्रेट विक्ट्री में ऐसा तो वैसे भी तो होती होती है. इट वॉज रिपोर्टेड दैट इट वॉज अ शॉकिंग साइट एट द बैटल फील्ड वेयर थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज लेड रोटिंग इन दिस. वो कहता काफ़ी शॉकिंग सीन है ये, काफ़ी शॉकिंग सीन. मतलब एक इमेजन होता है जब हम कहते हैं कि डेड कि थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज यहाँ पे सड़ रही हैं, तो काफ़ी मतलब हो सकता है फिर शॉकिंग साइड ही हो सकता है ना, कोई रियल में देख रहे तो ऐसा. हाउ एवर द ड्यूक ऑफ मालबोरो एंड प्रिंस यूजन वर ग्रेट प्रेस फॉर द विक्ट्री. लिटिल विलमन सेड दैट इट वाज अ बिग थिंग. कैस्पर रिप्लाइड आयरोनिकली दैट इट वाज अ फेमस विक्ट्री. द पोएम एंड्स विद एवरीबॉडी प्रेजिंग द ड्यूक. पीटर किंग आस्क्ड व्हाट गुड केम आउट ऑफ द वॉर. कैस्पर सेड दैट ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन. ही कुड ओनली से दैट इट वाज अ फेमस विक्ट्री. कुछ काम हो जाते हैं ना. सब हम पढ़ चुके हैं. एक बार मीनिंग पढ़ लेना, एक बार मीनिंग पढ़ लेना. थीम्स पे आते हैं. मेंस क्वालिटी टू मेंस. ये थीम है बेसिकली. वॉर जहाँ पे वॉर आएगी वहाँ पे थीम तो आएगी आएगी. एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्रूअल होता है. काइंड तो होता ही नहीं है. काइंड हो फिर तो बैटल ही ना हो. काइंड हो फिर तो बैटल ही ना हो, तो वो क्रूअल होता है. तो वो बता रहा है द पोएम इज कैथिंग. चलो उसमें हम वर्ड मीनिंग सीखते हैं ना. नहीं नहीं द पोएम इज अ स्कैथिंग कमेंट्री ऑन मैंस क्वालिटी टू मैन. वॉर एज सीन इन दिस पोएम रिप्रेजेंट द वर्स्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. द स्कल पिटिंग इन फाइंड्स एज वेल दो दैट कैस्पर रेगुलरली अनअर्थ है ना. जिसके मेरे को मीनिंग बताओ तो मैं आपको इमीडिएट बता देना. अनअर्थ मतलब जमीन से निकालना. अनअर्थ मतलब जमीन से निकालना, यानी प्लगिंग करते टाइम जो निकलते हैं, है ना. While plowing his fields, are mute testimony to the horrors of war. A man kills another man to achieve that great victory. On one hand is the old Casper, whose only concern is the great victory gained at the cost of death and devastation. On the other hand are the children, who do not grasp the so-called benefits of the war. The poem implies that the perpetrators of the war cannot or will not suppress their ambitions that provoke war. The children, who are like many people, uncorrupted by adult thinking, can readily perceive war for what it is, death and construction. ठीक है पहली थीम हो गई. ये वर्ड मीनिंग लिखो जरा. इस कैथिंग नोट करो. इस कैथिंग ओके. तीखे को आप लिखो यहाँ पे हर्टफुल है ना. हर्टफुल कमेंट्री करता है वो. हर्टफुल यानी उसको क्या तो एकदम थोड़ा लगता है. हर्टफुल है ना. HURTFUL. ठीक है लिख लिया. अनर्थ मतलब मैंने बता दिया निकालना बेसिकली. डिवास्टेशन ना बर्बादी. डिस्ट्रक्शन लिख लो इसको. तो आप
है, द फ्रेम इम्प्लाइज दैट द परपेट्रेटर्स ऑफ द वॉर कैन नॉट सप्रेस द एमिशन. परपेट्रेटर्स मतलब कल्प्रेट, इस वॉर का जो कल्प्रेट है ना, यानी इसके ऐसे वॉर का वो सप्रेस, सप्रेस में दबाना दबाना छिपाना है ना, दबाना लिखो दबाना. एम्बिशन सबको पता होंगी, उसकी इच्छा है बहुत ज्यादा. प्रबोक का अगर नहीं पता तो प्रबोक मतलब को एक्साइट करना, एक्साइट. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, दिस पोएम इज अ हर्टफुल कमेंट्री. एक हर्टफुल कमेंट्री है किसके ऊपर, मेल क्रुएल्टी टू मेल. वॉर एज सीन इन दिस पोएम रिप्रिंट द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. वॉर जैसा कि इस पोएम में देखा गया है, घरों को जला दिया गया है, प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को मार दिया गया है. ठीक है, लोगों को होमलेस कर दिया गया है, लाखों डेड बॉडीज, मतलब थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज वहाँ पे रॉटन हो रही है. पता चलता है कि तो सब पता चलता है कि कितना इंसान कितना गिर चुका था. तो रिप्रेजेंट द वर्स्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रिप्रेजेंट द वर्स्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इंसानों की इससे ज़्यादा खराब कंडीशन हो ही नहीं सकती. तो वही कह रहा है कि सबसे गंदी स्टेट थी ह्यूमन बिहेवियर की, जैसे इंसानों ने दूसरे इंसानों के साथ किया, सबसे गंदा बिहेवियर था उनका. ठीक है, सबसे गंदा, इससे गंदा हो ही नहीं सकता. ठीक है, द स्कल पीटर किन फाइंड्स एज वेल जोर दैट कैस्पर रेगुलरली अनअर्थ वाइल प्लगिंग हिज फील्ड्स एंड न्यू टू टेस्टिमोनी टू द हॉरर ऑफ सब. तो वो कह रहा है जो स्कल पीटर किन को मिला, या फिर वो सारे जो कैस्पर को रोज मिलते रहते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये वॉर कितना खतरनाक था. आज न्यू टू टेस्टिमोनी साइलेंट एग्जाम्पल है, साइलेंट, ये कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये स्कल ऐसे आपको खेलते खेलते मिल जाए. तो सपोज कर आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर किसी टाइम पर कितना मतलब खतरनाक बैटल हुआ होगा, किस कल मिले मिल रहे हैं आपको, है ना. तो ये बहुत बड़े एग्जाम, ये बहुत मतलब खतरनाक वॉर के एग्जाम्पल्स हैं, प्रूफ है. अ मैन किल्स अनदर मैन टू अचीव द अबिलिटी टू प्ले. एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है बस जीतने के लिए. ऑन ऑन वन हैंड इज द ओल्ड कैस्पर, एक तरफ ओल्ड कैस्पर, दूसरी तरफ बच्चे हैं. एक तरफ ओल्ड कैस्पर है जिसका सिंपल कसम था कि हमें ग्रेट विक्ट्री मिल जाए एट द कॉस्ट ऑफ डेथ एंड डिवोस्टेशन, बेशक किसी की जान जाए और बर्बादी हो, कोई दिक्कत नहीं. दूसरे बच्चे हैं जो समझ ही नहीं पाते, जो समझ ही नहीं पाते कि वॉर की बेनिफिट ही क्या है, क्योंकि उनको कोई बताया ही नहीं पता. बच्चे तो बेनिफिट पूछ रहे थे कि क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, कोई फ़ायदा हो तो बताओ वॉर क्या भी जाए, कोई फ़ायदा है नहीं तो वॉर क्यों कर रहे हो. तो बच्चों को बेनिफिट ही नहीं समझ आया कि इस वॉर को करने का फ़ायदा क्या था. द पोएम इम्प्लाइज, ये पोएम बताती है कि जो वॉर करने वाले जो लोग थे ना, वॉर करने वाले जो कल्पिट थे, वॉर के जो कल्पिट थे, कैन नॉट एंड विल नॉट, वो अपने एम्बिशन को छिपा ही नहीं सकते कि कैसे उन्होंने इस वॉर को एक्साइट किया, कैसे वॉर को बढ़ाया. द चिल्ड्रन हु आर लाइक मैनी पीपल अनकरप्टेड, दो बच्चे जिनका माइंड एकदम प्योर है, जो करप्टेड नहीं है बाय एडल्ट थिंकिंग, उनके अंदर कोई बड़े लोगों जैसी कोई करप्शन नहीं उनके माइंड में, जो बिल्कुल प्योर चुके बाय माइंड है ना, बाय हार्ट, कैन रियली परसीव परसीव वॉर फॉर वॉट इट इज. तब वो रेडली मतलब इजिली मतलब समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये वॉर था किसके लिए, केवल डेथ और डिस्ट्रक्शन के लिए, और कोई बेनिफिट था ही नहीं. हाँ, बहुत इजिली समझ सकते हैं था किसके लिए, केवल मतलब अब आप समझ सकते हो. चलो मैं